गाइस देखिए आज हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं पकौड़ी आलू गोभी और ये मिर्च रखा गया था तो ये अब बनेगा बनाने जा रही है दीदी। इसमें बेसन ही आटा और बेसन को मिक्स कर देंगे, सूजी और सूजी डाले हैं। उसके बाद इसके पकौड़ी बनने जा रहा है। पता नहीं किस जमाने का नारियल फोड़ रही है नारियल की हालत कैसे छठ में पापा रख दिया थे तो मिला था छठ का नारियल है लेकिन अभी तक रखा अभी चीरा जा रहा है जब लकड़ी का जरूरत पड़े अभी तो आपने तब नारियल कटा तब नारियल। ये है जवाइन मंगाइल और ये मिर्च पाउडर नहीं अच्छी मिर्च पाउडर है नहीं मसाला मीट मसाला है गोल्डी चिकन मसाला गोल्डी चिकन मसाला गोल्डी चिकन मसाला ऊपर निकल आया मिर्च और ये धनिया पत्ता धनिया पाउडर है ये हल्दी पाउडर अपने हिसाब से डालेंगे। ये है चिली पाउडर तो लाल मिर्च ये सब डब्बे में देखिए इसमें हल्दी है मेथी धनिया पाउडर जीरा मिर्च डब्बे में रखा है सब यहाँ पे अभी इसको करेंगे हम मिक्स। इसमें बंद नहीं हो रहा है धनिया पत्ता इसमें डालेंगे मिर्च और धनिया पत्ता मिक्स करेंगे इसको सार नमक स्वाद अनुसार अपना नमक डालेंगे जितना डालना हो खाना हो कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है कोई तेज खाता है अपने हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और इसको उसके बाद मिक्स करेंगे अच्छे से इसको मेल्ट कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तब तक नारियल हो गया हमारा खराब नारियल निकल चुका है गोला देखिए आधा क्या बेटा और इसमें पानी डाल के और थोड़ा गीला करेंगे और गैस पर रख दिए कढ़ाई रख दी अब सब कुछ रेडी है उसके बाद पकौड़ी छनाएगा। भाई जी ने हमारा नारियल छिला चुका है देखिए। हेलो गाइस इमरजेंसी बंद कर दो गरम हो चुका है ये इसमें मिक्स करेंगे आलू डाल दिए देखेंगे इसमें कि थोड़ा सा डाल के तेल गर्म हुआ कि नहीं लगता है कि हो चुका है देखिए नारियल तो बहुत दिन का हो गया था तभी भी एकदम बढ़िया दिखा एकदम बढ़िया निकला है नारियल खाएंगे हम लोग डाला जा रहा है आलू और गोभी के ऐसे
गोभी होता फूल वाला बनेगा। तो ये पक रहा है, थोड़ा थोड़ा और आधा बाकी है, फिर इसको पलटेंगे। और लहसुन धनिया टमाटर मिर्च की चटनी, इसको पलटेंगे। सूजी डलाया है इसमें, देखिए कितना वाइट वाइट सा अच्छा हो रहा है। सूजी और आटा और बेसन तो थोड़ा कुरकुरा होता है, इसलिए इसको डालते हैं। अब ये गोभी का बन रहा है पापा के लिए, क्योंकि पापा को शुगर है तो आलू कम ही खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे, तो ये गोभी का निकलेगा। तो फाइनली तो आलू वाला तो हो गया, देखिए तब तक मैं डूब गया। डूब नहीं गया अभी, ये लो गाइस में तो जैसा है वैसे ही दिखाए। तो पकौड़ी रेडी है, अब निकालो इसको, अभी हुआ नहीं अच्छे से, झूल हो जाए करारा। तो फाइनली अब हो गया ये आलू वाला। देखिए बन के रेडी, फाइनली गोभी। तो फाइनली अभी इतना बन गया, अभी गोभी का बन रहा है, अभी और बन रहा है, तब तक ये लोग सब मिलके एक मकर के जन्म चाप रहे हैं। मुसूम मुसूम होने खबो लगता है रुसल बा, झंडा बनाते का बनाता है लका भर है खाओ, धरो बाद में खा लालू को पकड़ी गरम भा आओ। फाइनली गोभी का भी बन के रेडी है, अब रेडी होगा, निकल ही नहीं रहा जल्दी। गोभी का है इसे थोड़ा टाइम लग रहा है, डांस भी हो रहा है थोड़ा। तो गोभी का भी फाइनली निकल गया, तब हम लोग जाएंगे खाने। कभी आ गया हम लोग सब खा रहे हैं चुकी है, लेकिन थोड़ा मान गई, हम लोग जा रहे हैं खाने मुसी। हेलो लो 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 चटनी के साथ, आलू का चटनी के साथ कोई खाइए तो पहले खाइए, टेस्टी लगता सुकू। तो सूजी डाल के कैसा लगा? मिर्चा और डाल सकती हो। तो पापा पकौड़ी कैसा लगा बताइए। हाय मिस्टर पकौड़ी कैसा? अच्छा। मुसी पकौड़ी कैसा लगा? बहुत अच्छा। पाई कैसा लगा पकौड़ी? बहुत वेरी गुड। तुम्हें कैसा लगा? सो टेस्टी। तो गाइस पत्ता का पकौड़ी तो पत्ता तो चाची का चोरी हो चुका, हम लोग का आलू गोभी का बहुत टेस्टी है आलू और गोभी की पकौड़ी। मैंने तो देखी ना कुछ।